कैसे इस अभियान को आपने पास से देखने के बाद क्या कुछ विश्लेषण कीजिए? मुख्यमंत्री के लिए इससे अहम दिन नहीं हो सकता जब उत्तराखंड का एक जी बिल्कुल देखिए, चूंकि भारत सरकार की 5-6 से 7 एजेंसीज लगी हुई थी, THDC जो अपने आप में एक बहुत पारंगत एजेंसी है, NHIDCL और जो रेल विकास निगम है, सतलुज जल विकास निगम है, और इसके अलावा जो बड़ी एजेंसीज हैं, आर्मी लग गई, वायुसेना लग गई, तमाम ऐसे कौन ऐसा बल था, कौन ऐसी इंजीनियरिंग कोर थी, कौन ऐसी इंजीनियरिंग एजेंसी थी भारत सरकार की, या जो फोर्स वाली थी, NDRF, SDRF, ITBP, सिविल पुलिस, तो सभी यहां पर लगे हुए थे और पूरा कोऑर्डिनेशन PMO के हाथों में था। तो खुद इस मामले की बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहे थे, उनके लिए भी एक प्रतिष्ठा का सवाल था कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर 41 लोगों को नहीं निकाल पाए तो ये एक बड़ी हानि हमारी प्रतिष्ठा को हो सकती है देश की। लेकिन अंततः यही हुआ कि पूरी कामयाबी की तरफ वो बढ़ गए हैं और ब्रेक थ्रू होने के बाद कम से कम अब कोई हर्डल नहीं है। एक पाइप के जाने में जितना देर हो रहा है, जितना विलम्ब हो रहा है, बस आप उसी को मान लीजिए कि उसके अंदर जाने के बाद उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, उन्होंने तमाम लोगों को निकाल लिया जाएगा और चंद घंटे जो है हम कह सकते हैं वो शेष हैं और लगातार पूरा देश इंतजार कर रहा है। अभी मैं सुन पा रहा था अजीत, हमारे साथ में लखीमपुर खीरी से एक श्रमिक का परिवार जुड़ा हुआ था, उनकी खुशी जो है उनकी तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती थी कि कितने वो खुश थे। लगभग इतने दिनों तक उनके यहाँ खाना नहीं बना था, ना सिर्फ उनके घर पर बल्कि उनके गाँव के लोग भी दुखी थे और उनके चेहरों पर अब मुस्कान लौटी है। जाहिर तौर पर जिनके परिजन इतने दिन से एक सुरंग के अंदर कैद हों और वो एक दिन नहीं, दो नहीं, तीन दिन नहीं, 17 दिन पूरे हो गए हैं आज, और 17 दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है और आप ये समझ लीजिए कि किस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर एक पूरी अस्थायी तौर पर यहाँ पर पूरे संसाधन जुटाए गए, एक्सपर्ट जुटाए गए, साइंटिस्ट जुटाए गए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो टनल का काम करते हैं, तो मतलब ये मामूली बात नहीं, संसाधनों की कोई कमी नहीं थी और किसी तरह से एक्सपर्ट की कोई कमी नहीं थी, पूरा कोऑर्डिनेशन PMO के हाथों में था, तो ये सब चीजें चल रही थी। 5-5 प्लान पर भी बीच में काम हुआ, लेकिन प्लान वही काम आया जो सबसे शुरू में शुरुआत, तो वो ठीक है, एक मशीन खराब हुई, फिर दूसरे अमेरिका नागर मशीन को लाना पड़ा, फिर उसके ब्लेड में दिक्कत हुई, फिर उसके चलने में दिक्कत हुई, फिर जो हार्ड मेटल है वो बीच बीच में आता रहा, रुकावटें पैदा होती रही और आखिर में जो इंसानी वो विधियां थी, जो पुराने जमाने की विधियां थी, जो परंपरागत चीजें थी खुदाई करने की, और जो हम इनको कह रहे हैं कि रेटर माइनर, यानी मतलब चूहे की तरह खोदने की एक जो कैपेसिटी और एक जो हुनर है वो इन मजदूरों के बीच था, और बाद के 10 मीटर के 12 मीटर के पेज वर्क को इन्होंने पूरी तरह से ओपन कर दिया और आज ये आंदोलन, ये जो मूवमेंट चल रहा है पूरा का पूरा, एक ये अभियान पूरी तरह से एक आंदोलन बन गया था और अब ये सफलता के बिल्कुल एकदम अगले पायदान पर है और अब निकालना बाकी है और पूरी तैयारी इसकी हो चुकी है। जी अजीत, अगर हम देखें तो ना सिर्फ साइंटिफिक तौर पर, जो विज्ञान में तो भारत आगे है ही है, लेकिन अध्यात्म में भी हर भारतीय का विश्वास होता है, आध्यात्मिक शक्ति का एक उदाहरण भी यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि वो तस्वीरें आपने दिखाई थी किस तरीके से वहाँ पर पानी से भगवान भोलेनाथ की एक तस्वीर जो है वो उकेरी जाती है, वो नज़र आती है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि बौकनाग की जैसे ही मंदिर पर वहाँ पर दोबारा स्थापित किया जाता है उसके बाद से ही अभियान को कहीं ना कहीं सफलता मिलना शुरू भी हो गई थी, जिसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री ने भी किया है। जी बिल्कुल, देखिए बौकनाग देवता यहाँ के क्षेत्रपाल हैं, क्षेत्र रक्षक हैं, उनकी यहाँ मान्यता है, लोग उन्हें बहुत मानते हैं और उसके साथ साथ क्या है कि हर गांव में इस तरह के मंदिर हैं, तो ये धार्मिक मान्यताओं का हमारे देश में वाकई एक उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता लोगों की रहती है, आस्था में बहुत, मतलब धर्म में बहुत आस्था लोगों की रहती है और ये चूँकि इसीलिए फिर वो मंदिर वहाँ पर स्थापित कराया गया, छोटा ही सही, टेम्परेरी ही सही, एक मंदिर वहाँ बनाया गया। अब आने वाले दिनों में सुरंग के पास एक ठीक एक अच्छा मंदिर बनाया जाएगा और इस सुरंग के ठीक ऊपर राडी टोप पर जो मंदिर है उसको निर्माण किया जाएगा, एक कंपनी ने वहां के पुजारी से मिलकर के बात कही है, तो ये सारा कमिटमेंट हुए हैं, तो धर्म तो वाकई सर्वोच्च होता है, धर्म की बात है और यहां मंदिर स्थापित हुआ, चीजें चलने लगी, फिर इंसानी हुनर भी काम आया, उससे पहले विज्ञान और तकनीक यहां पर अपना काम कर ही रहे थे और लोग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हुनरमंद लोग थे यहां पर, चाहे आप क्रिस हूपर हो, चाहे अर्नोल्ड डिक्स हो, तो ये तमाम लोग यहां पर आए थे और अपने यहां भी जो जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है उसके टनल के जो एक्सपर्ट है वो बिल्कुल विश्व स्तरीय हैं, वो भी यहाँ पर लगे हुए थे, तो तमाम चीजें हुई हैं, तो और एक तरह से आप समझ रही है कि स्ट्रेटेजिकली ये अभियान पूरी तरह से आगे बढ़ा, बीच में जरूर हर्डल्स आई हैं।